हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आप सबको मेरा नमस्ते। और एक बार मैं फिर हाजिर हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही है, मेरे घर में पेंट का काम चल रहा है और सामान अभी ठीक से थोड़ा सा सेट नहीं हुआ है, क्योंकि बीच में मेरी तबीयत खराब हो गई, मुझे वायरल हो गया था। तो जिसकी वजह से मैं जो है अपने घर की सेटिंग जो है सामान की वो ठीक से नहीं कर पाई। और ये आंगन में बीच में बक्सा रखा हुआ है और उसपे किताबें रखी हुई हैं जो मुझे कमरे में लगानी है। तो चलिए फिर लग जाते हैं काम में, और मैं आपसे मिलूंगी सारा काम करने के बाद। तो फ्रेंड्स, ये है बक्सा जो हमारे बाहर आंगन में रखा हुआ है, और उसके ऊपर हमने अपनी जो सारी बुक्स थी वो उस पर रख दी थी, और ऊपर से उसे एक चादर से ढक दिया था जिससे कि जब काम हो तो इसके ऊपर पेंट, मिट्टी या गंदगी ना गिरे। और फिर भी काफ़ी दिन से रखा था तो यहाँ रखा था तो थोड़ी बहुत तो डस्ट आ ही जाती है, और जो चूहिए हैं ना वो भी इस पर चढ़कर काफ़ी घूम रही थी और बहुत परेशान कर रही थी। तो मैंने सोचा कि आज चलो मैं इनको यहाँ से हटा के इनकी जगह पर रख देती हूँ, बल्कि मैंने वहाँ पे रख दी है, अभी लगाई नहीं है, क्योंकि जिस बुक सेल्फ में ये लगाई जानी है वहाँ पर कुछ मेरे हस्बैंड जो है कुछ डिज़ाइन बनवाना चाहते हैं, तो इसलिए अभी मैं सिर्फ वहाँ रख रही हूँ। फाइनली जब डिज़ाइन बन जाएगा तब मैं वहाँ सेट करूँगी, बट ये जगह मुझे जो पोर्शन है ये मुझे खाली करना है, क्योंकि अब काफ़ी दिन से ये यहाँ रखा है तो किताबें भी गंदी हैं, और इस बक्से के अंदर जो हैं वो इसमें गर्म कपड़े रखे हुए हैं। और देखिए ये परिधि पता नहीं कहाँ जा रही हैं, ये देखने आई हैं कि ऊपर क्या हो रहा है, तो मुझे उनके भी ख़राब होने का डर है, तो इसलिए क्योंकि सारे वूलन कपड़े इसी के अंदर रखे हुए हैं। तो आज मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी हिम्मत करके इस काम को भी मैं निपटा ही देती हूँ, क्योंकि बाहर इस तरीके से ये रखा रहेगा तो बहुत नुकसान हो सकता है। तो मैं इस तरीके से सारी किताबों को साफ़ करके, डस्ट साफ़ करके धीरे धीरे किताबों को यहाँ सेल्फ में लगा दूँगी। ये देखिए मैंने बस सिंपल ही लगाऊँगी, ज़्यादा कुछ नहीं, बाकी वो अपने हिसाब से सेट करेंगे। मुझे नहीं पता है कि कौन सी किताब कहाँ रखनी है, वो इस क्योंकि उन्हें किताबों का बहुत शौक है। तो फ्रेंड्स, मैं सारी किताबों को बाहर से ला ला कर और सारी किताबों को अच्छे से कपड़े से साफ़ करके लाई थी मैं, जिससे कि इनकी जो डस्ट है वो साफ़ हो जाए। हाँ, तो किताबों को मैं इस तरीके से यहाँ सेल्फ में लगा दूँगी, और इसमें बहुत सारी किताबें हैं कहानियों की, स्टोरी की, खासकर इंग्लिश की, मैथ, मतलब तो ऑल सब्जेक्ट बुक्स हैं। कभी अगर किसी का मन ना हो, किसी चीज़ में ना लगे तो यहाँ से बुक्स निकालो और पढ़ लो। मैं भी यही करती हूँ, जब मेरा मन नहीं लगता तो मैं बुक्स पढ़ लेती हूँ। यहाँ हर सब्जेक्ट की बुक्स है जो आप चाहो। तो मुझे किताबें बहुत अच्छी लगती हैं, और मेरे जो हस्बैंड हैं उनको भी, तो इन किताबों को आज मैं अच्छे से सेट कर दूँगी अंदर, क्योंकि किताबें ही इंसान की बहुत बड़ी और बहुत अच्छी दोस्त होती हैं। बस मैं तो यही समझती हूँ, और मेरी तो मतलब यही थिंकिंग है, किताबें मुझे बहुत पसंद हैं, किताबों से मेरा बहुत ही गहरा रिश्ता है और होने वाला है फ्यूचर में, वो आपको बाद में पता चलेगा। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने बाहर से ला करके सारी किताबों को धीरे धीरे लगा दिया है, और क्योंकि बाहर का जो जगह है वो मुझे साफ़ करनी है, क्योंकि नवरात्र चल रहे हैं, नवरात्र के बाद अगर मैं कन्या पूजन करूँगी तो बच्चों को कहाँ बिठाऊँगी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और पसंद आया होगा। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो मैं चलती हूँ, फिर मिलूंगी नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय एंड